प्रदेश में जारी तेज बारिश की वजह से भोपाल, सतना समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। राहत का काम जारी है। नर्मदा, पार्वती, चंबल, केन, तवा, तमस और सुनार नदियां उफान पर है। इससे कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित हो गया है। वहीं भोपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट बांटे गए हैं। सतना में 4000 लोग बचाए गए हैं। भोपाल सतना में बरसात का पानी घरों और दूसरे रिहायशी इलाकों में घुस गया है। राज्य में 2 लोगों के बाढ़ के पानी में बहने की भी खबर है। इसके अलावा कई सड़कें टूट गई हैं, जिस वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के जबलपुर, रायसेन, होशंगाबाद, विदिशा और बैतूल समेत कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने आपात बैठक बुलाकर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कश्मीर में जगह जगह पर हिंसा भड़क गई है। हिंसक भीड़ ने पुलिस पोस्ट, सुरक्षा कर्मियों और कुलगाम में बीजेपी ऑफिस हमला बोल दिया। पुलिस और लोगों की झड़प में 1 की मौत हो गई, जबकि 11 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों में 3 पुलिस वाले हैं। वही युवाओं के ग्रुप ने अनंतनाग जिले के बांदीपुरा, काजीगढ़ और लारनूग में पुलिस चौकियों और स्टेशनों पर पत्थर फेंके। उधर साउथ कश्मीर के त्राल में हिजबुल कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की अंत्येष्टि में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। पुलवामा जिले के कई हिस्सों से लोग त्राल के शरीफाबाद पहुंचे। वानी के साथ 2 और आतंकी सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए थे। जनाजे में जुटे लोगों ने इस्लाम के समर्थन और कश्मीर की आजादी के लगाए नारे। AIMIM अध्यक्ष सऊदीन ओवैसी ने इस्लामिक स्टेट को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि IS के नाम से कुख्यात इस्लामिक स्टेट के लड़ाके जहन्नुम के कुत्ते हैं। साथ ही ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से अपील की कि वे इस्लाम और मानवता के लिए जिंदा रहे। हैदराबाद में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस्लाम के लिए जियो मरो नहीं, इंसानियत के लिए जियो। ये हमारा मुल्क है, इसलिए मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से IS के चुंगल में फंसने से बचने की अपील करते हुए ये कहा, पैगंबर की मस्जिद के सामने IS का हमला इस्लाम के दुश्मनों का है। इस्लामिक स्टेट इस्लाम को बर्बाद करने पर तुला है। इसके लड़ाके जहन्नुम के कुत्ते हैं। जिन लोगों ने रोजा नहीं रखा, उन्हें रक्का में कत्ल किया गया। ऐसे लोग को काट देना चाहिए। ढाका में पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले के बाद चर्चा में आए इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक को लेकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। सत्यपाल सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने जाकिर नायक की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर 2008 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जब वे कमिश्नर थे, उन्होंने डॉक्टर जाकिर को लेकर सरकार को भी अवगत कराया था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज ये दिन देखना पड़ रहा है। जाकिर नायक धर्म परिवर्तन कराता है और लोगों को बरग लाता है। उसको विदेशों से फंडिंग भी होती है। बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने शनिवार को मेरठ में पत्रकार वार्ता करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वही विवादों में आए डॉक्टर जाकिर नायक की फंडिंग की जांच कराने की मांग की। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक पर केंद्र की ओर से शुरू की गई छानबीन का शिकंजा कसता जा रहा है। नायक के NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विदेशों से मिलने वाले फंड की जांच के साथ साथ उनके उन व्याख्यानों की CD की भी जांच शुरू कर दी गई, जिनसे ढाका आतंकवादी हमले के कुछ हमलावर कथित तौर पर प्रेरित हुए थे। केंद्र ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब महाराष्ट्र सरकार ने 50 साल के इस्लामिक धर्म प्रचारक के उन व्याख्यानों की जांच के आदेश दिए हैं, जिन पर विवाद पैदा हुआ है। IRF की गतिविधियां केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजरों में तब आई जब ये आरोप लगे कि इस संस्था को मिल रहे विदेशी फंड का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों और लोगों में कट्टरपंथी भावनाएं पैदा करने के लिए किया गया। अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय IRF को विदेशों से मिलने वाले पैसे के सोर्स का भी पता लगाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अवैध कॉम्प्लेक्स ढहाने के दौरान मलबे में कई लोग दब गए। मलबे के नीचे दबकर अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों के दबे होने की खबर सुन कैंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारी मौके से भाग गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के तौर पर नहीं बल्कि नेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर चलेगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में ये साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। गुजरात पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात की सीएम आनंदीबेन ने व्यापारियों के साथ उनकी मीटिंग दबाव बनाकर कैंसिल करा दी। निजी दौरे पर गुजरात गए केजरीवाल ने परिवार समेत सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी किए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने केजरीवाल को विदेशी दुश्मन का एजेंट बताया है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल की तुलना मथुरा हिंसा के मास्टरमाइंड रामवृष यादव से की। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्व तट के निकट पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। सोल के रक्षा मंत्रालय का अधिकारी तत्काल इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया कि मिसाइल कितनी दूर तक गई और वह कहां गिरी। यूएस के डलास शहर में शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी। बराक ओबामा भी यूरोप की यात्रा छोड़ डलास जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे। इससे पहले ओबामा ने अश्वेत लोगों पर गोली चलाने की घटना की कड़ी निंदा की थी। अफ्रीकी देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रिटोरिया के बाद जोहान्सबर्ग पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारतीय समय अनुसार देर रात 11 बजे अपना संबोधन शुरू किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने ही मोहनदास को महात्मा बनाया। मुस्लिम धर्म प्रचारक जॉकी नाइक के उपदेशों पर बढ़ते इस बवाल के बीच केंद्र सरकार ने उनके चैनल पीस टीवी पर पाबंदी लगा दी है। यही नहीं, यूट्यूब पर भी पीस टीवी का यूआरएल ब्लॉक किया जाएगा। शुक्रवार शाम सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने अहम बैठक बुलाई जिसमें इस बाबत फैसला किया गया। मुस्लिम धर्म प्रचारक और उपदेशक जॉकी नाइक ने एक नया वीडियो जारी कर फिर से अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। नाइक ने ताजा वीडियो में भारतीय मीडिया को तथ्यों की जांच को लेकर चैलेंज किया है। साथ ही कहा कि बांग्लादेश सरकार ने उन्हें घटना के लिए दोषी नहीं माना। केरल के कासरगोड और पलक्कड़ के 15 मुसलमान लड़के बीते एक महीने से लापता है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ये पढ़े लिखे लड़के सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गए हैं। लड़के घर से ये कहकर निकले थे कि वो नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। मामले में स्थानीय नेताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर एक बार फिर बिगड़ गए। कल साकेत में ईद मिलन समारोह के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार का जिक्र करते हुए कहा, गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं, अब टीवी वाले बोलेंगे हमारी भाषा खराब है, पर गुंडों को गुंडा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को मानहानि के एक मामले में जुर्माना दे दी। उन्हें 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर ये राहत दी गई। केजरीवाल बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में आरोपी के तौर पर तलब किए गए थे। भगौड़ा करार दिए गए बिजनेसमैन विजय माल्या भारत लौटने को तैयार नहीं है। माल्या ने न्यूज एजेंसी राइटर्स के एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ब्रिटेन में रहकर वो जांच में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रहकर सुनवाई क्यों नहीं हो सकती, जांच एजेंसियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में उन्हें शामिल कर सकती है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने किंगफिशर एयरलाइंस के जवाब में संशोधन के अनुरोध वाले आवेदन को खारिज कर दिया। आवेदन में विजय माल्या ऋण चूक मामले में बैंकों के समूह के मूल आवेदन को लेकर पूर्व में दिए गए जवाब में संशोधन की अनुमति देने का आग्रह किया गया था। साथ ही जुर्माने के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए की भी मांग की गई थी। दो राज्य मंत्री के पद मिलने से शिवसेना के नाखुश होने की खबरों को खारिज करते हुए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि ये बीजेपी के साथ पहले से तय फॉर्मूला पर आधारित है और शिवसेना ने कैबिनेट बर्थ की मांग नहीं की या ब्लैकमेल में संलिप्त नहीं रही।